भारत नेपाल मैत्री समाज के तत्वावधान में घोड़ा घाटी स्थित बलिदानी लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर कारगिल दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर मैथिली समाज के लोगों ने माल्यार्पण किया तथा लड़ाई में शहीद हुए सेना के जवानों को वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाए गए। जिसके संबंध में भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने बताया कि भारत नेपाल मैत्री समाज वीर सेनानी कल संस्थान मिलकर इस कार्यक्रम को हर साल हर्षोल्लास से मनाती है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध 60 दिनों तक चलता रहा और अंत में हम विजयी हुए, अपने क्षेत्र को खाली कराएं और पाकिस्तानी सेना को मार भगाया गया। इस कारगिल युद्ध में 527 सैनिक मारे गए, 1300 सैनिक घायल हुए। भारतीय सेना की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इस अवसर पर सुरेश गौतम, हरिवंश सिंह, वीर सेनानी के अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही, ओम गुरंग, जी एन भारद्वाज, राजेश कुमार, महिमा सिंह, राकेश कुमार, राम कुमार, दिलीप गुप्ता, श्रीकांत, जितेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने कहा, भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपकी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपकी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपकी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय, शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनिल कुमार गुप्त, अध्यक्ष भारत नेपाल मैत्री समाज। ये कारगिल विजय दिवस आज के दिन हम मनाते चले आ रहे हैं, वर्षों से मनाते रहे हैं और भारत नेपाल मैत्री समाज वीर सेनानी कल्याण संस्थान मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करती रही है। ये भारतीय सेना जो कारगिल युद्ध की 60 दिनों तक वो युद्ध चला और हम विजयी हुए, अपने क्षेत्र को खाली भी कराए, पाकिस्तानी सेना को मार भी भगाया और 18,000 फीट की ऊंचाई पर हमारी सेना ने किस बहादुरी के परिचय देते हुए वहां अपने मुकाम को काबिल किया। और भारतीय सेना की जितनी भी सराहना की जाए वो कमी है। इस युद्ध में हमारे 527 सैनिक मारे गए, 1300 के आसपास घायल भी हुए, लेकिन उन जांबाज सिपाहियों के याद में हम इस कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष आयोजित करते रहे हैं। वीर सेनानी संस्थान कल्याण हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहभागी रहे।